निमरत कौर की हुई कैप्टेंसी से छुट्टी, शिव ठाकरे को मात देकर कुछ इस तरह से गौतम विज बन गए हैं घर के नए कैप्टन। इसी के साथ अब बहुत सारे सवाल एक बार फिर से कि किसे करने वाले हैं अब गौतम सपोर्ट, क्या एक बार फिर से जो निमरत है उनके ही हाथ लगने वाली है बाजी, यानी कि एक बार फिर से क्या निमरत जो है वो घर पर अपने राज चलाने में कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि जो कैप्टन है वो उनके दोस्त गौतम विज ही बन चुके हैं। दरअसल आपको पता ही है, बिग बॉस ने गार्डन एरिया में रखे गोंग को बजाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पहले कंटेस्टेंट्स इसे बजाएंगे वो ही कैप्टेंसी की दावेदारी में उतरेंगे। ये मौका गौतम विज और शिव ठाकरे ने उस वक्त अपने नाम कर लिया था। दरअसल दोनों को शालीन और निमरत की तरह ही सिर पर टोकरा रखकर खड़ा होना था और बाकियों को उनके ऊपर भार को बढ़ाना था। सभी ने अपने अपने चहेते घर वालों को खुलकर सपोर्ट किया। इस दौरान काफी लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला, धक्का मुक्की भी हुई। अर्चना और शालीन में काफी ज्यादा धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके बाद उन्हें घर से बेघर करने की भी बात की जाने लगी, क्योंकि उनके ग्रुप का व्यक्ति यानी कि शिव ठाकरे मैदान में खड़ा था। ऐसे में वो जाहिर सी बात है कि वो उसे ही जिताना चाह रहे थे। खैर, आपको बता दें कि शिव ठाकरे और गौतम विज के बीच हुए मुकाबले में सभी ने दोनों का भार बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जीत जो है वो गौतम की हो गई। सोर्सेस की माने तो गौतम ने कैप्टेंसी के टास्क को जीत लिया है, वो घर के नए और दूसरे कैप्टन बन चुके हैं। निमरत कौर अहलूवालिया की कप्तानी खत्म हो चुकी है, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अब गौतम के कंधों पर डाल दी है। अब ये जीत हुई कैसे, ये आज के एपिसोड में आप सब देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या निमरत को जो है वो सपोर्ट करेंगे या फिर प्रियंका को, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो गौतम है वो प्रियंका को भी पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि गौतम को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि प्रियंका जो है वो अंकित के साथ रहती हैं, हालांकि उन्होंने ये कभी कहा नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से वो बार बार प्रियंका और अंकित से पूछते रहते हैं कि तुम्हारे और दोनों के बीच क्या क्या चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं से गौतम को ये चीज़ पसंद नहीं है, ये नज़दीकियाँ पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, अब ये नज़दीकियाँ तो जो है वो बन चुकी हैं, और वो भी घर के बाहर ही बनी हैं, घर के अंदर तो ये नज़दीकियाँ बनी नहीं हैं, जो कि आप कोई सवाल खड़े करेंगे कि ये लोग आपस में गेम खेलने के लिए नज़दीक आ रहे हैं या फिर और भी बहुत तरह की बातें करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो जोड़ी बनाई है वो ऑडियंस ने बनाई है, और ये जोड़ी बिग बॉस के घर के पहले की जोड़ी है। ये जोड़ी सुपर डुपर हिट्स हो चुकी है उड़ारियां सीरियल से, और अब दोनों जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खैर, यहाँ पर बात कर लेते हैं गौतम की। तो गौतम की कप्तानी में अब घर का माहौल क्या होने वाला है, किस तरीके से गौतम जो है वो खेलने वाले हैं, यहाँ पर किसको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप सबने देखा ही है कि निमरत और गौतम की बड़ी अच्छी बनती है। तो ऐसे में अब इस कप्तानी का फायदा जो है वो कहीं निमरत को ना हो जाए और उसकी वजह से फिर से घर का माहौल जो है वो खराब हो जाए। देखना दिलचस्प होगा कि जो नए कैप्टन हैं यानी कि जो बन रहे हैं गौतम विज, उनके नए कैप्टेंसी के बाद अब क्या होने वाला है घर का जो है वो असली माहौल। फिलहाल यहाँ पर अंकित और प्रियंका जो है वो फुल फॉर्म में हैं और वो तैयार हैं खेलने के लिए। अब देखते हैं गौतम का खेल किस तरह से आएगा सबके सामने, और कैप्टेंसी के बाद क्या दिखाएंगे गौतम रंग। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।